कैप्टन आओगे बनना नहीं हले बनना नहीं क्यों वित्त मंत्री था जी वो पीछे मंत्री था तो क्यों होया जीते तो आ रहेगा नहीं करी तो लिखड़ गया उठा सरिया हले सरिया यानी कि जो वो कहते भी गर्दन में सरिया है वो काट के मान लेंगे काट दिया उनका भी आगे भी कोई वो सरिया कुछ तो ढीला होगा ना आगे के मेरा कोई कतरा रह रहा उसको लिखड़ जाएगा बीजेपी ने देश का भी सरपा धरिया है कोई खत्म एक ममता बची है बाकी तो देश का भी जो मराठे से आएगा का अखिलेश से आएगा कोई फंस गया माया कुछ कर नो भ्रष्टाचार के 15-15 लाख 20-20 लाख रुपए कांग्रेस की टाइम में तो 5-7 लाख रुपए में बंदा लग जा करता जनाधार नहीं होगा जम्मा सुपड़ा पास होगी यहाँ से कोई जनाधार ना नहीं किससे का नहीं कांग्रेस जीतेगी क्या चंदन लिए पूरी सरपत ले हमारे पंचकुल्ला जिले के लोकसभा चुनाव जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से संपन्न हो चुके हैं और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सिटी फर्स्ट न्यूज़ की टीम एक बार फिर से फील्ड में निकल चुकी है। नमस्कार, मेरा नाम है मुकेश माही और अब जो सर्वे जो चलेगा उस सर्वे के अकॉर्डिंग हम ये जानेंगे कि नारनौंद विधानसभा में, क्योंकि जो नारनौंद एक ऐसी विधानसभा है जहाँ पर बीजेपी को करारी जो है वो मुँह की खानी पड़ी थी, लोकसभा चुनाव की मैं बात कर रहा हूँ। अगर विधानसभा चुनाव की हम बात करें तो देखेंगे, लोगों के बीच में चल चल के पूछेंगे कि क्या माहौल जो है विधानसभा चुनाव में रहने वाला है, क्योंकि लोकसभा चुनाव का और विधानसभा चुनाव का एक अलग ही एक माहौल होता है अलग, क्योंकि 9 विधानसभाओं के बाद में एक लोकसभा चुनाव का जो होता है लोकसभा जो एक बनती है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लोगों के बीच में जाके पूछेंगे, ग्राउंड जीरो से जो एक स्टीक जो सर्वे है वो हम आपके सामने पेश करेंगे। वीडियो स्किप मत कीजिए और नारनौंद के आसपास के क्षेत्र के जुड़े हुए लोगों के लिए ये आज की जो वीडियो है काफ़ी खास होने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। नारनौंद विधानसभा है और गांव है ये राजपुरा, एक पूरी की महफिल बैठी है बुजुर्गों की, इनसे हम बात करेंगे कि किस प्रकार, क्योंकि लोकसभा चुनाव जो था ना वो एक बड़े अच्छे तरीके से यहाँ से संपन्न हुआ, बात करेंगे कि विधानसभा चुनाव की क्या कुछ रहने वाला है। बाबू जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्ण है जी। कृष्ण जी, इसी गाँव से आप? बिल्कुल इसी गाँव से। विधानसभा चुनाव अभी कुछ टाइम के बाद में है, क्या रहने वाला है आपके हिसाब से? देखो, अभी तो कैंडिडेट पर डिपेंड है। अगर पार्टी की बात करा तो मान लो बीजेपी का ठीक रहेगा, कांग्रेस का कहीं नए लोग जनजपा कांग्रेस का जीतेगा, कांग्रेस का एंटी बीजेपी लड़ है और कोई जनाधार है नहीं, और पार्टी का बिल्कुल कांग्रेस का 100% जीतेगा। बीजेपी ने भी तो इतने अच्छे अच्छे काम कर दिए, कहूँ थे हमने तो जी आयुष्मान कार्ड भी बनवा दिया, बिना खर्ची पर्ची नौकरी दे दी, सारे काम करवा दिए। नहीं ना तो सिस्टम ऐसा छेड़ दिया नहीं, अनपढ़ का तो बस की बात कह, पढ़े लिखा उड़ जा रहा है, जितने डॉक्यूमेंट्स लिया वो फलाने लिया, वो आधार तक जोड़ो फलाना, तो कहीं पढ़े लिखे भी आदमी चक्कर में इतने कंडीशन वो कर दी ना, कागजा का ढेर मरवा दिया घर पर, समझे मन नहीं आंदे काम कुम। वैसे अगर मान लो कागजों वाली बात आप एक साइड हटाएं तो काम कुम करवाया कुछ? काम तो देखो, सबसे पहली बात तो भाई साहब आदमी पेट पूजा फिर काम तूजा, मैं मतलब था नहीं रोजगार का। कांग्रेस से उम्मीद है कांग्रेस कुछ करेगी? हाँ करेगी कुछ। हाँ वैसे आपके इस एरिया में कौन है कांग्रेस का जो यूं लगन लग रहा है, जो टिकट मांगने लग रहा है कुछ? देखो टिकट में डॉक्टर अजय चौधरी भी है, जसी पेटवाड़े भी है, राम भगत भी है। अच्छा, यानी कि लाइन लग रही है पूरी, ये फिक्स नहीं भी किसको मिलेगी? अभी कोई फिक्स नहीं, कह नहीं सकते कि टिकट मिलेगी किसको, लेकिन आपके हिसाब से कांग्रेस का दम रहने वाला है? मजबूत है कांग्रेस ही साल का, लोकसभा चुनाव में भी बड़ा है कांग्रेस ने ही यहाँ पर आप जिता के भेजा है। बिल्कुल जिता के भेजा कांग्रेस। और जी आपका क्या नाम है? महेंद्र। महेंद्र जी, इन्होंने कह दिया कांग्रेस जो है वो इस बार दम है कांग्रेस में कुछ, आपके हिसाब से क्या है? कांग्रेस में दम है, कांग्रेस में। बीजेपी में कोई लोग लगता कुछ को? ना, ना, कोई नहीं लोग लगता बीजेपी। आपके इधर के तो बड़े बड़े नेता हैं बीजेपी की, तो कौन सा नेता है? कोई नहीं, अभी मनु कैप्टन आओगा बनना नहीं हले। बनना नहीं क्यों? वित्त मंत्री था जी वो पीछे। मंत्री था तो क्यों होया जीते तो आ रहेगा, क्योंकि युगत बोला उसने सांझे काम तो बहुत खूब करवाए, सांझे काम करे गाड़ी लेके बिगड़े को, मैंने 3 दिन टाइम को नहीं, 2000 गाड़ी का लेके ले गया राजू भाई हले। जो उड़ से जो चला गया उसने कोई आगे और पूछ कौन थी कोई? भाई आपने तो चामा या था अगला की खातरदारी करो भाई, आओ भाई सुनो अगला की तो काम ना करो, तेन तो सुन लो भाई के बार तक पूछ तो होनी चाहिए जो आया इतनी दूर चल के, कुछ नहीं करी तो लिखड़ गया उठा सरिया हले। सरिया यानी कि जो वो कहते भी गर्दन में सरिया है वो काट के मान लेंगे, काट दिया उनका भी आगे भी कोई वो सरिया कुछ तो ढीला होगा ना आगे के मेरा कोई कतरा रह रहा उसको लिखड़ जाएगा। अच्छा, जो छोटा मोटा कि रह रहा कर्ण कोई रह रहा ना वो इस बार काट दो लिखड़ जाएगा सारा इसका, कांग्रेस का दम है। हाँ कांग्रेस का दम। जी इन लोग का और जजपा का कोई कुछ को नहीं? कुछ नहीं आ रहा कुछ नहीं है। इधर इन लोग का तो अच्छा कुछ है ना, ना कुछ नहीं है इन लोग का कुछ नहीं।
है। आपके हिसाब से कांग्रेस अच्छा काम करेगी और बीजेपी की तरह वो भी फिर दिल्ली हो जाएगी? वो तो ले देखो भी आगे के करे है के ना करे है, लेकिन इब तक उम्मीद जो है कांग्रेस से तो है, उम्मीद करेगी अनु के बेरा कांग्रेस बीजेपी की भी नूरी काम करेगी के बेरा रही अनु करे। बीजेपी ने करे को नहीं अच्छा, राम मंदिर बनवा दिया, आयुष्मान कार्ड बनवा दिए और वो और भी जिनको थे बिना खर्ची पर्ची के नौकरी दे दी। हाँ कुछ नहीं, खर्ची पर्ची तो खर्ची लगी है, रिजर्व में लिए नौकरी लगी, खर्ची लगी है और खर्ची बिना क्यों लाभ था कितना? वो तो बड़े रुके मारे थे, मतलब कोई पैसा लग रहा को नहीं, हमने तो भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। हाँ कर दिया सर, ये सरकार इसमें के बोला यार है क्या मिला है ग्रुप डी में, इसके 2-2 लाख रुपये मांगा है आप भर के अर्जुन लावे हैं, दूसरा नाम क्यों ले हुआ? मेरे वर्ग का नाम ना लो भाई साहब, आपका क्या नाम? जसवीर जी। जसवीर जी इन्होंने कह दिया बोला जी खर्चा लगया है, वाक्य में लगे भ्रष्टाचार बढ़े, भ्रष्टाचार के 15-15 लाख 20-20 लाख रुपए, कांग्रेस के टाइम में तो 5-7 लाख रुपए में बंदा लग जा करता। आप ये मानो भी खर्चा तो कांग्रेस के टाइम में भी लगया करता, बीजेपी के टाइम में भी कम लगया करता है जी, इनकी तो दूना तीना कर दिया उस तीन दार पूछ नहीं सकता आम आदमी तो, 15-20 लाख रुपए दे के एक छोटी 12-13 हज़ार वाली नौकरी क्या करेगा? जो बढ़िया बढ़िया बच्चे हैं बढ़िया पोस्टा पर जाने वाले आज हुए 15-15 हज़ार की नौकरियां पर लेके खड़े कर दिए। पता नहीं वो तो निकले थे कि बोला जी हमने तो नौकरी हमने तो सारी मेरिट के आधार पर नौकरी, कोई मेरिट का हिसाब तक नहीं दे रखी, पूरे पढ़े लिखे बालक जो से मेरिट का हिसाब तक लगने थे वो आज रोडांग ऊपर खड़े कर रखे। आपके हिसाब से एक मौका और मिल जाना चाहिए क्योंकि सेंटर में भी तीसरी बार मोदी बन गया हरियाणा में, जनाधार नहीं होगा जमा सुपड़ा पास होगी यहाँ से कोई जनाधार नहीं किसी का नहीं, कांग्रेस जीतेगी कह अजय डॉक्टर आ जाओ का जस्सी पेटवाड़ा जो फुल बहुमत से जीतेगी कर राम भगत जी आ जाओ, जितना कांग्रेस है जो कोई भी आ जाओ, कोई आ जाओ कांग्रेस की टिकट को सही बंधन है मिल जो तीनों मत है वो तीनों बढ़िया है, कोई चेहरे का कोई मतलब नहीं है जो कोई भी आ जाओ, बस इस बार जो सीधी सीधी ली वो करेगी निशान जो है वो हाथ का होना चाहिए 55-60 आराम से वो करेगी पक्का, इस बार जिता के भेजोगे हरियाणा में भी बन जाएगी, हरियाणा में एक तरफी बनेगी हाँ जी। भाई साहब क्या नाम है? रणधीर है भाई साहब। रणधीर जी इन तीनों की तो एक ही राय लिखी, यही राय है और के यही राय है क्यों इसमें के आप तो एक कुछ अलग भी आप बता दो, बीए बीएड करें बड़ा गए घर आंड रहे एक वो नौकरी ला उल्टे आ जिंगरा पेपर पेपर कौन दिए होंगे ओ पेपर दे दे ले लो पेपर दिए हमने पहले तो कहा हमने तो कोई इसमें कोई 1 रुपया नहीं एक रुपये की नौकरी है नहीं किसकी 10वीं फर्म की थी बीए बीएड एमएससी वाले में नौकरी है 10वीं फर्म में तो एलएलबी वाले भी भर रहे थे इनका नंबर है 10वीं फर्म वाले तुम पढ़ा है गलत है। आपके हिसाब से यानी कि जो ये जो सरकार है बीजेपी की ये सभी के लिए बुरी है? सभी के लिए बुरी है, किसानों के लिए भी बुरी है, किसानों के लिए बुरी सरपत ले वहाँ से हमारे पंचकुला जिला के। अच्छा आप खेती खेती करते हो? खेती कर रहा हूँ। किसान आंदोलन जो था वो सही था? सही था, तो उसका जो है असर है वो लोकसभा चुनाव में देखने को मिला? पूरा पूरा मिला, पूरा मिला। बाबू जी आपके हिसाब से क्या बीजेपी का 5 लाई है हर विधानसभा में? कह रहा होगा फिर विधानसभा में 60-65 तो सही कांग्रेस की, यानी सरकार कांग्रेस की बनती है खुली बन जाएगी खुली है। अच्छा बाबू जी आप सबसे बुजुर्ग आप ही दिखने लग रहे हो, किसान आंदोलन का कितना का असर रहा है यहाँ पर? क्योंकि जो किसान आंदोलन में है ना सरकार की जो रेरे माटी हुई ना उसका फायदा जो दूसरी पार्टियाँ ले पाई के ले दूसरी पार्टी कोई फायदा नहीं कर सकती। चौटाला ने इस्तीफा दिया था किसानों के लिए दिया था, उसका कोई यहाँ पे कुछ नहीं क्यों आप किसान आंदोलन का असर कहने लग रहे हो, कोई उसका फर्क नहीं पड़ा? उसका फर्क नहीं, वो वोट देवे हो रहे बीजेपी ने, बीजेपी ने वोट देवे वो जो मैं बीजेपी के लगते हाथ कुरी मिला हूँ दे आओ जी क्या कर दिया है रहो कार्तिक शर्मा राज्यसभा का मेंबर बना। हाँ वो दे दे वो कार्तिक शर्मा पीछे जो राज्यसभा का मेंबर बना था वो तो बीजेपी का कैंडिडेट था, अभय चौटाला ने उसको वोट दिया है फिर बीजेपी का, अजय भी नुका था मैं बीजेपी को और इनलो के साथ गठबंधन नहीं करूँगा वो देख ले बनंत पर लाए बीजेपी में जा लिया था, यानी कि गांव की जो बातें हैं ना वो राजनीति की सारी बातें टोल लेते हैं सारी। आप राज्यसभा गए वोट के कारण तो वह किरण चौधरी गई, उसका कोई फायदा हो या बीजेपी में जाओगी हुआ उस एरिया में कोई फायदा नहीं है? कोई फायदा नहीं, उसने वैसे अच्छा करे या गलत करे क्या उसका फायदा? वो तो उसका काम सभी के बताऊँ गलत करे भाई, पुरानी लीडर थी एक जगह पड़ी भारी रही जावरी उड़ के कटे बीजेपी में कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतनी अच्छी जानकारियाँ दी। बीजेपी ने इसका भी सरपा धरिया है, एक ममता बची है बाकी तो जिसका भी जो मराठे छाएगा अखिलेश छाएगा कोई फंस गया माया उसका
साफ कर दी। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद साहब।